जिंदगी कितनी अजीब होती है ना। जब हम बच्चे थे तो हर पल यही सोचा करते थे कि कब हम बड़े हो जाएं, और आज जब हम बड़े हो चुके हैं तब एहसास होता है कि शायद वही लम्हे, वही दिन, वही उम्र ही जैसे जन्नत थी। दिन की शुरुआत ही देर से उठने पर होती थी, और जब तक आंखें खुलती थी सारी स्कूल बसी घर के गेट पर होती थी। माँ सर दुख रहा है, माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं, माँ स्कूल नहीं जाना, शायद यही हम सबके बहानों की रटी रटाई लिस्ट होती थी। पर धीरे धीरे वही स्कूल कब इतना खास बन गया पता ही नहीं चला ना। वैसे स्कूल तो सिर्फ एक बहाना बन गया था, सिर्फ एक जरिया बन गया था हर रोज हर एक यार से मिलने का, हर रोज नई शरारतें करने का। पर आज भी यही लगता है ना कि वो वक्त जैसे वहीं थम क्यों नहीं गया, और क्यों हम अचानक इतने बड़े हो गए हैं कि उन सारी यादों को पलट कर देखने का हमारे पास अब समय तक नहीं रह गया। हर किसी के लिए स्कूल तो जैसे उसका दूसरा घर था। देर से आना, देर से जाना, पढ़ने तो साला कोई नहीं आता था, पर हाँ हर रोज हर किसी के पास एक नई कहानी जरूर होती थी सुनाने को। टीचर्स की नकल करना, हर नए सेशन में सोचना यार कोई नई लड़की तो आए अब एक, और अगर सच में कोई आ गई तो सारा दिन हर यार से यही कहना अबे तेरी भाभी है। जिंदगी कितनी अजीब होती है ना।